अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देवलू नाटी व वाद्यांत्र प्रतियोगिता का हुआ आगाज। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के देवलू नाटी एवं वाद्यांत्र प्रतियोगिता का आगाज मंगलवार को हुआ। इस प्रतियोगिता में मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों से शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुँचने वाले देवी देवताओं के देवलुओं ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी देवता के देवलुओं का चयन किया जाएगा। देवता समाज कमेटी की टीमों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, जिसमें मेले में आए लोगों ने इस प्रतियोगिता में भरपूर आनंद उठाया। सर्व देवता सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित शिवपाल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवाओं को इस अनूठी संस्कृति से जोड़ा जा सके। 2 दिन तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 180 देवी देवता शिवरात्रि महोत्सव में पहुंच चुके हैं। 25 देवता समाज कमेटियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में देव समाज की तरफ से इस तरह के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं, ताकि वाद्य यंत्रों की परंपरा को लंबे समय तक कायम रखा जा सके। इस कला की ओर युवा पीढ़ी का रुझान कुछ समय से कम हुआ है। इस रुझान को फिर से देव संस्कृति की तरफ होने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। नाटियों का प्रोग्राम है करने का, जिन्होंने आपने दर्द नाम दर्ज कराए हुए हैं, उनसे अभी 2 ही नाटियाँ हमारी इस ग्राउंड में हुई है। इन नाटियों में हमारे अपने जो कलाकार कथा है उसको दिखाएंगे, और साथ साथ वाद्यंत्र के बारे में भी जो उनका ताल इत्यादि होता है, जो रिवाजों का हमारा देवी देवताओं के साथ चलने का प्रोग्राम होता है उसमें बताएंगे, और नाटी के साथ जो मजा होता है उसको बताएंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है प्रशासन द्वारा, और सरकार को जो सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने इस साल ये कोशिश की है कि पुरानी से पुरानी चीज़ें हमारे धरती में आए, हमारी एक हिस्ट्री भी लगी है, जिसमें हमारे पुराने वाद्यंत्र भी रखे हुए हैं, और पुराने हमारे जो भी हमारे देवताओं के साथ ऐसी चीज़ें रुप्त हो गई थी, उन निपटों को उजागर करने की कोशिश की। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ जयराम जी का, मैंने 5 लाख इस बार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए दिया, फंड दिया, तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, क्योंकि हमारे 2 करोड़ की मांग की हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेले में जितने मेले होते हैं, चाहे मंडिया चाहे कुल्लू और कहीं भी, कम से कम 2 करोड़ रुपया इसको बजट में रखना चाहिए, ताकि ये जो जितने भी पैसा कलेक्ट किया जाता है या पैसा आमदनी यात्रियों के लिए कलेक्ट की जाती है मेलों के लिए, वो सारी पब्लिक पर निर्भर होती है। इसकी निधि रखी जाए 2-2 करोड़, 5-6 जिले हमारे 5 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं, तो एक राहत मिलेगी सबको। और हमारे जैसे हमारे पटेल ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है जिससे हमारा सोर्स होता है पैसे आकर्षित करने का, और उसमें क्या होता है उसी से हमारा अंतर्राष्ट्रीय मिला चलता है। कल को अगर ग्राउंड में जैसे ये स्कूल का ग्राउंड है, बिल्डिंग बन रही है, जगह कम हो जाएगी, पैसे का ग्राउंड नहीं होगा, पैसे का सोर्स नहीं होगा, तो मेले बंद भी हो सकती है। मेरा निवेदन रहेगा सरकार से भी और प्रशासन से भी इसमें हमारा सहयोग दे, ताकि मेले हमारे जो परंपरा हो चलती रहे, बंद ना हो। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे, भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।